फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी SST की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं चैप्टर 3 क्लास 7 का चैप्टर 3 आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के सुल्तान, अब हमें आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान के बारे में कि दिल्ली में कौन कौन सुल्तान बने, ठीक है? और आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। अब देखिए, हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया आज कि कावेरी डेल्टा जो है वो क्षेत्र के बड़े राज्यों का केंद्र बन गया था, ठीक है? उस क्षेत्र में बड़ा केंद्र कावेरी डेल्टा था। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? हाँ, देखिए, आप ये ध्यान दिए हैं कि लेसन 2 में दिल्ली जिसकी राजधानी हो, ऐसे कोई राज्य का जिक्र है? आपने ध्यान दिया? नहीं। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना नहीं था। इसीलिए क्यों? क्योंकि दिल्ली 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण केंद्र बना, तब लोगों ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाना शुरू किया राजाओं ने, ठीक है? तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले हम तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? देखिए, सबसे पहले तोमर राजपूत जो थे उनके काल में दिल्ली किस राज्य की राजधानी बनी थी, पहले तालिका 1 में हम लोग ये जानेंगे, ठीक है? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चौहान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया था। अब देखिए, 12वीं सदी में जो तोमर वंश था, तोमर राजपूत थे, ये लोगों का वहाँ पे बोलबाला था दिल्ली में, ठीक है? और इनको 12वीं सदी के मध्य में इन तोमरों को अजमेर के चौहान वंश, जिन्हें हम लोग चौहान वंश भी जानते हैं, उन्होंने पराजित किया। फिर वहाँ चौहान वंश का राज वंश हुआ। तोमरों और चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अब देखिए, जो दिल्ली था वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र कब बना था? जब तोमरों और चौहानों वंश का दोनों का शासन काल रहा, यानी तोमर वंश से शुरू होकर चौहान वंश तक में यह दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र, वाणिज्य यानी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिनके अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। अब देखिए, यहाँ के जो जैन व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली थे, इसलिए वे मंदिरों का निर्माण कराते रहते थे हमेशा, ठीक है? दिल्ली में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इन लोगों ने कराया था। यहाँ देहरीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। अब देखिए, यहाँ पे जो दिल्ली में कौन से सिक्के ढाले जाते थे जिसका बहुत प्रचलन था, तो उसका नाम देहरीवाल था, ठीक है? आपको ये बताना है, अगर क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट में तो आप बताएंगे दिल्ली का सिक्का, प्रचलित सिक्का कौन सा था? देहरीवाल, ठीक है? 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। अब देखिए, जो दिल्ली है ये 13वीं सदी के आरंभ में, स्टार्टिंग में यानी, ठीक है, इसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। यहाँ तोमरों वंश का शासन था, तोमर राजा तोमर का, ठीक है? और ये एक ऐसी राजधानी थी, ठीक है, क्योंकि जिसके पास बहुत बड़े क्षेत्रफल में जगह थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था अपने महाद्वीप का, यानी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली राजधानी के क्षेत्र में था, फैला हुआ था। तो यानी जिसका शासन दिल्ली पे होता होगा तो वो बहुत बड़े हिस्से का राजा बन जाता होगा, ठीक है? तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए
जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। देखिए तालिका एक कहाँ है, हमारे नेक्स्ट पेज में तालिका एक है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। राजपूत वंश है, फिर तुर्की शासन है, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, 1, 2, 3, 4 और ये तुर्की शासक छोड़ के राजपूत वंश 5, ठीक है, ये 5 वंश है, यानी राजपूत वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 राजवंशों से मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी हुई थी। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। अब देखिए ये जो यहाँ जो दिल्ली है, आज का हमारा दिल्ली है, तो इसके आसपास बहुत खाली जगह थी, तो यहाँ पर जो यहाँ के शासक थे यहाँ के, उन लोगों ने बारी बारी यहाँ पे अपना नगर बसाया। मानचित्र एक को देखकर तेहरी, एक कुरवा, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। देखिए तेहरी, ये देखिए तेहरी, एक कुरवा, जहाँपनाह, सीरी, देखिए है ना, इसको पहचान करनी है आपको। तो ये आपने पहचान कर ली, ये 3 जगह नई बनाई गई थी उस समय के शासन में, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ हम तालिका एक के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिल्ली के शासकों के बारे में यहाँ बताया गया है, वो कब से कब तक शासक थे और वो राजा कौन से वंश के थे और उनका नाम क्या था, ये हम आज इसमें जानेंगे तालिका में। राजपूत वंश में वहाँ तोमर राजा थे, उन्होंने शासक किया था 12वीं सदी के आरंभ से 1165 तक, ठीक है। फिर उनके बाद अंगपाल जो थे ये राजा बने, वो 1130 से 1145 तक। आप देखिए इसके यहाँ देखिए ये जो है ना, ये इनका समय है, ठीक है, ये नाम है, आप तो स्वयं देख सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। चौहान, देखिए फिर चौहान वंश का वहाँ शासक हुआ, तो 1165 से 1192 तक, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, इन्होंने शासन किया फिर 1175 से 1192 तक। और फिर आप देखिए ये है प्रारंभ, फिर यहाँ से राजपूत वंश का शासन ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ तुर्की शासक आ जाते हैं। तो आरंभिक तुर्की शासकों ने पहले शासन किया यहाँ 1206 से 1290 तक, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये वहाँ के सुल्तान बने, राजा बने, ये 1206 से 1210 तक वहाँ शासक किए 4 साल, ठीक है। फिर उनके बाद शमशिदीर इतुतुमीस बने, यानी ऐबक के बाद इतुतुमीस बने थे, ठीक है, जिनका मकबरा आप यहाँ आगे चित्र में देख सकते हैं, ये जो मकबरा है यही इतुतुमीस का मकबरा है, ठीक है। इनका पूरा नाम शमशुद्दीन इतुतुमीस था, ये 1210 से 1236 तक शासन किए। फिर इनकी बेटी राज शासक बनी जो थी रजिया सुल्तान, ठीक है, इन्होंने बहुत कम वर्षों तक शासक किया था, तो इनका शासक था 1236 से 1240 तक, ये भी अपने पिता की तरह बहुत सूरवीर थी। फिर हैं गयाउद्दीन बलबन, ठीक है, फिर दिल्ली इन के हाथ से निकल जाते, फिर बलबन जो थे वो राजा बनते हैं और फिर दिल्ली इनके अंडर में आ जाती है, तो ये 1266 से 1278 तक शासक रहते हैं, ठीक है। फिर अब ये देखिए इतुतुमीस का मकबरा आपने देख लिया ना, फिर इन लोग के बाद बलबन के बाद खिलजी वंश यहाँ शासक करता है दिल्ली पे, ठीक है, खिलजी वंश का शासक होता है जो 1290 से 1320 तक रहता है, ठीक है। तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो रहते हैं इनका शासक रहता है 1290 से 1296 तक, 6-7 साल तक इनका शासक रहता है। फिर
अब जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी रहते हैं, ठीक है, शासक बनते हैं, जो 1296 से 1316 तक शासक रहते हैं। फिर अब यहाँ पे इनका शासक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अलाई दरवाज़ा इन्हीं शासकों ने बनवाया था। फिर हमारा तुगलक वंश शुरू होता है, ये 1320 से 1414 तक। फिर ये शासक तुगलक वंश 1320 से 1414 तक ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसमें देखिए तीन महत्वपूर्ण शासक होते हैं, जो है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, ठीक है। तो यहाँ तीन महत्वपूर्ण शासक हैं तुगलक वंश के। फिर हमारा आता है सैयद वंश, ठीक है। जो सैयद वंश है ये इसका शासक 1414 से 1451 तक, ठीक है। इसमें एक ही महत्वपूर्ण शासक होता है खिजल खां, जो 1414 से 1421 तक रहता है शासक, ठीक है। उसके बाद और भी शासक होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ डिफरेंस आता है ऊपर नीचे तो इसका मतलब ये वंश यहाँ से यहाँ तक चला था, और इसमें एक ही ये महत्वपूर्ण शासक यानी पहला शासक जो महत्वपूर्ण था यही था, इसके बाद के शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। तो फिर आता है लोधी वंश, यहाँ आखिरी वंश है लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश है इसमें 1451 से 1526 तक ये शासक रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम शासक रहते हैं बहलोल लोधी, जो 1451 से 1400 शासक रहते हैं, ठीक है, 1489 तक। अब ये देखिए आप जी देख रहे हैं ना, ये तुगलक वंश के शासक का मकबरा है, ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, जिसकी बाहर की फ़ोटो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये दिल्ली के सुल्तान की डिटेलें हैं जो मैंने आपको बताई है यहाँ। अब हम लोग देखते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी डैश कैसे। तो जो दिल्ली के सुल्तान थे इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है और कैसे, ये हम आगे जानेंगे। हमारी हेडिंग क्या है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे कैसे मिल रही है हमें ये जानकारी। तो हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख एक वचन तवारीख बहुवचन है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासक की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। ये देखिए जो अब आप देखिए इसकी डिटेल हम लोग यहाँ से जानेंगे कि देखिए हमें अब हालांकि हमें सुल्तान के बारे में राजाओं के बारे में अभिलेख सिक्के स्थापत्य कला से यानी भवनों के निर्माण से उसके डिजाइन से काफ़ी सूचना मिल जाती है, बहुत सारी सूचनाएँ मिल जाती हैं, मगर एक महत्वपूर्ण वे इतिहास की तारीख जो होती है, तारीख का तो हमें इनसे पता नहीं ना चलता, वही जो तारीख होती है तवारीख जो सुल्तान के शासक और प्रशासन के बारे में बताती है वो फारसी भाषा में मिली है, लिखे गए हैं। देखिए कैसे मोहरे बनाते हैं फिर उसको लिखते हैं, ठीक है, आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कैसे कितनी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं लोग। देखिए अब यहाँ पे देखिए बताया पांडुलिपि को तैयार करने के लिए चार चरण होते हैं, पहले कागज़, देखिए पहले में ये कागज़ तैयार कर रहा है, ठीक है, दूसरे में ये लिखने का कार्य कर रहा है ये व्यक्ति, दूसरा वाला जो चित्र का है, तीसरे वाले में महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर प्रयोग किया गया है। यानी देखिए जब पांडुलिपि वो लिख लिया वो सेकंड वाला आदमी, तो थर्ड पैरा में जो महत्वपूर्ण शब्द होते थे उस पर सोने का परत चढ़ाया गया। अब देखिए इसके ऊपर जो कवर पेज होता है जिल जिसे कहते हैं उसे तैयार कर रहा है यह, ठीक है। तारीख के लेखन सचिव प्रशासक कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे।
अब देखिए, मैंने बताया ना पांडुलिपि कैसे तैयार होती है। फिर यहाँ पे जो तारीख है, इसके लेखक जो होते थे वे राजाओं के ससी, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारी जैसे लोग होते थे जो सुशिक्षित होते थे, यानी पढ़े लिखे होते थे ये लोग, जो घटना के बारे में सही सही वर्णन करते थे। हाँ, और शासक मतलब राजा को उनका शासन चलाने में महत्वपूर्ण सुझाव भी बहुत देते थे राजाओं को, और न्याय संगत शासन पर बल देते थे ये लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे न्याय चक्र के बारे में। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। न्याय चक्र यानी न्याय कैसे चलता होगा पहले के समय में, हम ये जानेंगे। 13वीं सदी के इतिहासकार फरुख ए मुदब्बिर ने लिखा है। देखिए, 13वीं सदी के स्टार्टिंग के जो इतिहासकार थे फरुख ए मुदब्बिर, वो लिखते क्या हैं, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। अब देखिए, जो राजा है उसका काम जो था वो सैनिकों के बिना नहीं चलता था। अरे बिना सैनिक के वे युद्ध कैसे लड़ता राजा? सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। अब जो सैनिक लोग होते थे वो, उनको वेतन भी ज़रूरी था, नहीं तो वो कैसे जीते? वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। अब वेतन कहाँ से मिलता है राजा को, जो सैनिक में बांटते हैं वो? तो वो किसानों के द्वारा उतारे गए टैक्स से मिलता है, कर से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। अब देखिए, जब किसान खुशहाल रहेगा, खुश रहेगा, उसका फसल बहुत अच्छा होगा, तभी तो वो टैक्स कर चुका पाएगा राजा का। अगर वो खुशहाल और प्रसन्न रहेगा, ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अब देखिए, ये सब बातें तभी होगी जब राजा न्याय संगत रहे, ईमानदार रहे और अच्छे से अपना शासन का चलाए, और उसे ऐसे प्रशासन को, अच्छे प्रशासन को, ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन भी है, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? तो शायद हाँ हो, ये आपको पता करना है। ठीक है, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। अब देखिए, यहाँ जो कुछ और बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। अब देखिए, जो तवारीख के लेखक होते थे, जो लिपि लिखते थे, वे शहर में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, यही खासियत थी। ठीक है, ये मतलब खासियत क्या, मतलब ये जानने वाली बात थी आपके। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। अब देखिए, ये जो लेखक होते थे, जो लिपि लिखते थे, ये लोग सुल्तान से गिफ्ट पाने के लिए, इनाम पाने के लिए इतिहास में उनके बारे में लिखते थे। ठीक है, इससे उनको गिफ्ट मिलता था। तीसरा, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था पर बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से लोग सहमत नहीं होते थे। देखिए, ये विचार सही में गलत होते थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्त्री योग्य ना हो और हर पुरुष योग्य हो। ये जो ये लेखक होते थे, ये पुरुषों को जन्मसिद्ध अधिकार देते थे, और लिंग भेद के पे आधारित जो समाज था उसकी विशेषता बताते थे, उसके बारे में अच्छी अच्छी सलाह देते थे। तो इनके विचारों से बहुत लोग खुश नहीं थे। अब देखिए, जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में यहाँ दिया गया है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। यानी सिर्फ मतलब जो राजा के परिवार के लोग होते थे वही शासक बन सकते थे, चाहे वो कुशल हों या ना हो। कुशल मतलब
अच्छे उनका व्यवहार अच्छा हो, वो बहुत सूरवीर हों और कोई भी गलत कार्य ना करते हों। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा सभी वंश के लोग होते हों, पर उनको जन्म से अधिकार था। अगर वो ठीक हों तो भी, नहीं अच्छे हों तो भी, उनका व्यवहार अच्छा ना हो तब भी उनको राजा वो बन जाते थे, ठीक है। और जो अच्छे लोग होते थे, जो शूरवीर होते थे, जो राजा बनने योग्य होते थे, उनको मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो इस वंश से, राजवंश से संबंधित थे ही नहीं, उनको जन्म से अधिकार ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो एक शब्द आया था लिंग भेद, तो उसके बारे में भी बता रहा है। स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक शारीरिक रचना अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। देखिए, शरीर की बनावट के आधार पर लिंग भेद किया गया है, और समाज में सामाजिक स्तर पे, तो इस तरह से औरतों को निम्न बताया गया है और पुरुषों को उत्तम बताया गया है, ठीक है। तो यानी पुरुष जो थे उनको कुलीन बताया गया है, शासक करने वाला, और स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो उनका शरीर ऐसा होता है और स्त्रियों का नहीं होता है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। अब देखिए, 1236 में इन सभी बंदिशों को तोड़ के जो रजिया सुल्तान थी वो राजा बनी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। क्योंकि उस युग के इतिहासकार मिनियाज ए सियाज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, देखिए, लेकिन फिर भी वह एक रानी के को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। देखिए, उस समय का जो शासक था उसका नाम देखिए मिनियाज ए सियाज है, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। उनका नाम क्या है? मिनियाज ए रियाज, जो रजिया सुल्तान को अब उनके भाइयों से योग्य और सक्षम भी मानता था, ठीक है, पर एक रानी को शासक के रूप में वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था, कि मतलब कोई औरत कैसे उसको शासक, उन लोगों के ऊपर शासक कर सकती है, शासन कर सकती है, ऐसा वो नहीं स्वीकार कर पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। अब देखिए, जो दरबारी लोग थे वो भी, वो जो स्वतंत्र राजा की तरह जैसे पुरुषों को अधिकार मिलता है शासन करने का, वैसा अधिकार जब उनको मिला रजिया सुल्तान को, तो इन बातों से दरबारी लोग भी खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि रजिया को ऐसा मौका मिले। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब देखिए, गलत गलत आरोप लगा के उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया 1240 में, क्योंकि वो एक महिला थी इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। और इतिहास में देखिए, उन फिर भी उनको इतिहास में शूरवीर महिला के उपाधि दी गई, पर उनके साथ उस समय न्याय संगत व्यवहार नहीं किया गया था, क्योंकि उनके सारे भाई योग्य नहीं थे और ये योग्य और सक्षम भी थी शासक करने के रूप में, फिर भी इन्हें मौका नहीं मिला, ठीक है। रजिया के बारे में मिनिहाज ए सियाज के विचार। अब देखिए, जो इनके समय के कवि थे उनका देखिए रजिया के बारे में देखिए विचार क्या था, वो क्या सोचते थे रजिया के बारे में, हम ये जानेंगे। मिनियाज ए सियाज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। अब देखिए, मिनियाज जो थे वो सोच रहे थे, उनका ये सोचना था कि अब जो आदर्श समाज है जो भगवान ने बनाया, लोगों का कहना था कि भगवान ने, ईश्वर ने ये आदर्श समाज बनाया है, परंतु ऐसा नहीं था, मनुष्यों ने ही इस सारे नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाई थी, भगवान ने ऊपर से कुछ नहीं बना के भेजा है, ठीक है, मनुष्य। तो ये जो आदर्श समाज था इसकी व्यवस्था जो बनाई गई थी, इसमें जो है स्त्रियां जो होती थी वो राजा के अंडर में होती थी, ठीक है, स्त्रियां जो होती थी वो पुरुषों के अंडर में रहती थी, पुरुषों के अधीन रहती थी, पुरुषों के जी हजूरी करते हुए ये लोग
स्त्रियों को देखना चाहते थे। और जो रानी का जो शासन था वो इनसे इस व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध था, इसीलिए ये लोग उसके खिलाफ थे, उसको उसके सारे सही फैसलों को भी इन लोगों ने नकार दिया था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। अब देखिए वो शायराना अंदाज में कह रहा है कि इतनी ज़्यादा खूबी होने के बाद भी, ठीक है, उसको क्या मिला, क्योंकि वो आदमी के लिस्ट में तो थी नहीं, वो आदमी तो थी नहीं, पुरुष तो थी नहीं, इसलिए इतनी ज़्यादा शानदार खूबियाँ, इतनी इतना मतलब टैलेंट, इतनी खूबियाँ होने के बावजूद उसको मिला क्या, कुछ भी नहीं। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह सुल्तान इत्तुतमिस की बेटी थी, तो ये बात तो सत्य थी। तो रजिया जो थी वो अपने सिक्कों में अभिलेखों में अपने आप को सुल्तान इत्तुतमिस की बेटी के तौर पे बताती थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का शासक था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 यानी, ठीक है, यानी 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। ठीक है, मतलब रजिया जो थी उनके अंदर पुरुषों वाली खूबियां थी सब। ठीक है, और ये जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है आपका, वहाँ के वारंगल क्षेत्र में कोई काकतीय वंश का शासक था, ठीक है, शासन था, तो वहाँ पे एक रानी थी उस वंश की, रुद्रमा देवी, जिनका 1262 से 1289 तक शासक था। ठीक है, और इनका व्यवहार, रुद्रमा देवी का व्यवहार रजिया से बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था उन्होंने। अब देखिए, अब पुरुषों जैसा नाम लिखवाएंगे तो लोग सोचते होंगे रुद्रमा जो थी वो कोई पुरुष थी, इन्होंने भ्रम जैसा पैदा कर दिया था लोगों के लिए, क्योंकि जो ये रुद्रमा देवी थी काकतीय वंश की रानी, इन्होंने आदमियों जैसा नाम अपने अभिलेखों में लिखवा लिया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की, रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 तक थी, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रथा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ठीक है, अब देखिए एक और महिला के शासक के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है। एक तो हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, दूसरा रुद्रमा देवी के बारे में, अब तीसरी हम पढ़ेंगे रानी दिद्दा के बारे में। ठीक है, जो कश्मीर की रानी थी। ठीक है, ये 980 से 1003 तक शासक इन्होंने किया था। इनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन इस शब्द से निकला हुआ था। जाहिर सी बात है, प्रजा इन्हें बड़ी बहन अपनी मानती थी रानी को, इसलिए इन्हें दिद्दा नाम दिया उन्होंने, प्रजा ने दिया, क्योंकि वे इनसे बहुत स्नेह करती थी प्रजा, तो इन्हें ऐसा इस नाम से संबोधित करती थी, इस नाम से बुलाती थी प्यार से। मिनिहास के विचार से अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब जो देखिए मिनिहास तो था, उसका विचार जो था मतलब पुरुषों के लिए अलग सोच और स्त्रियों के लिए अलग था, इस सोच को आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। क्या आपको लगता है कि रजिया सुल्तान के विचार भी यही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे ऐसे विचार। ठीक है, आपको बताना है कि क्या उस समय रजिया सुल्तान के भी ऐसे विचार रहे होंगे। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता था ना, इसीलिए स्त्रियों के लिए शासक बनना बहुत कठिन था पुरुषों के मुकाबले में। यहाँ हमारा फर्स्ट वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो आपको
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।